पास, तो वहां के नर्स ने ना इंजेक्शन दिया, तो वो इंजेक्शन उसने इतने जोर से दिया। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज बजे है सुबह के 10:30। आज बहुत लेट हो गया, पर फिर भी हम तीनों मिलके अभी चाय पी रहे हैं। ऐसे आज हम ऐसे घर के अंदर ही बैठे क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो मम्मी यहाँ पर अमेज़ॉन का पार्सल ले रही है। ये सब्जी वाला, ये बाहर सिलेंडर वाला आया है। तो मैंने चाय पी लिया और मैं ऊपर आ गई, और देखो मेरे रूम कितनी खराब हो रखी है। तो मैं सोच रही हूँ आज फटाफट रूम साफ ही करती हूँ। मैंने ड्रेसिंग टेबल कर लिया है खाली, और अभी साफ भी किया। अभी फटाफट अरेंज करती हूँ, बाकी पूरी रूम भी करनी है। कर लिया मैंने साफ, तो अभी ड्रेसिंग साफ हो गया। अभी ड्रेसिंग के अंदर का ड्रॉअर करती हूँ, और फिर ये कपड़े बहुत सारे पड़े हैं कपड़े, तो वो कपड़े अच्छे से रखती हूँ। अभी तो मैंने साफ सफाई नहीं की, बस मम्मी आ गई ऊपर, वो बात कर रही है मम्मी हर्षाली के साथ, और मैं हम तीनों भी टाइम पास करने लगे। मैंने ये जो कपड़े लिए हैं कल ड्रेस देने हैं, तो वो तो मैंने उसकी डिज़ाइन वगैरह कैसे करना है क्या करना है वो थोड़ा देखा। मेरे मम्मी को बताया कि मैं ऐसे ऐसे सिलाने वाली हूँ। अभी जल्दी से मुझे फटाफट साफ़ सफाई करनी है और बाहर जाना है मुझे आज। ये सारे कपड़े हैं जो मैंने जमा कर दिए, अभी फटाफट इसको अच्छे से फोल्ड करके अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो मैंने आधी साफ़ सफाई कर ली, और अभी मुझे बाहर जाना है। तो मैं जल्दी से नहाती हूँ, खाना वगैरह खाना है, तो बाकी आके साफ सफाई कर लूँगी। तो हो गई हूँ मैं रेडी, और मैंने खाना भी खा लिया। अभी मुझे थोड़ा बाहर काम है, तो मैं जा रही हूँ बाहर। तो मैं आ गई बाहर से अभी घर, और आज मैं बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी हो गई, तो मैं मेरे भी दिमाग से निकल गया व्लॉग शूट करना। तो ये देखो आज मैंने ये वाली टी शर्ट ली है, वो ये टी शर्ट अच्छी है, मुझे बहुत कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे ये। थोड़े से इयररिंग्स लिए, ये मेरी बहन जो पढ़ाई कर रही है, बहुत पढ़ना पड़ता है इसको। और अभी हम बाहर जाने वाले हैं, तो अभी मैं जाती हूँ। मेरा क्या बोलते हैं, जो मैंने कल कपड़े लिए थे, मुझे कुर्तियाँ सिलानी है, तो वो मैं कुर्ती सिलाने के लिए डाल देती हूँ। उसके बाद मुझे हर्षाली के साथ बाहर जाना है, उसको गिफ्ट पेपर लेना है, और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। वही जो मेरी रिपोर्ट में आया था, मुझे विटामिन डी और B12 की कमी है, वो वाला दिखाने के लिए आ गई हूँ नीचे। और ये मेरा लेंस कार्ड का स्पेक्ट आ गया है, 0 पावर का। तो अभी हर्षाली और मम्मी ने भी इसको फोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ,
और फिर लगा के देखती हूँ कैसा है, क्या है, कैसा लगता है। तो सब कुछ पहली बार मैं 0 पावर का स्पेक्ट लगाऊंगी। सबसे पहले हम बाहर की लाइट शुरू करते हैं। हो गई है बाहर की लाइट शुरू, और अभी जल्दी जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फिर मुझे जाना है मेरा कुर्तिया देने, और उसके बाद हर्षाली का गिफ्ट पेपर लेंगे जो कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जाएंगे क्लिनिक में। ये मैं दूसरी बार बता रही हूँ आपको। या मेरा स्पेक 0 पावर का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कुछ खास डिफरेंस तो लग नहीं रहा, मैंने पहली बार स्पेक पहना है। मम्मी ऊपर आई है, ये हर्षाली पढ़ाई ही कर रही है, और अभी हम बातें कर रहे हैं। मम्मी ने एप्पल काट के लाया, और हमने दोनों ने मिल के फटाफट वो पूरे के पूरे खा दिए। हमें बाहर जाना था, और मेरी बहन रेडी होके फिर से लिखने को बैठ गई है। उसको लिखना है बहुत, कल सबमिशन है। तो मैंने उसको बोला कि तू लिखते जा, मैं बाहर जाके जब रेडी हो जाऊंगी पूरा मास्क वास्क लगा के, तब तुझको आवाज़ दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ। ये कपड़े ले लिए, ये मुझे सिलाने डालने हैं। और आज मैंने पहली बार में मेरा स्पेक्ट पहना है, और मैं ऐसा स्पेक्ट पहन के पहली बार जा रही हूँ। थोड़ा देखने में ना अजीब लगता है ऐसे, थोड़ा मतलब क्या बताओ, एक्सप्लेन नहीं कर पाती, पर थोड़ा सा अलग लगता है ये स्पेक्ट लगाने के बाद। तो हम मम्मी को पूछते हैं कि मम्मी को भी पहली बार स्पेक्ट लगाने के बाद ऐसा ही लगा क्या। मम्मी तुला पण पहिल्यांदा चष्मा लावल्यावर असं वेगळं वेगळं वाटत होतं का? आता सर्व ही चांगलं वाटत होतं, वेगळं म्हणजे कसं? अच्छा, मम्मी को ऊपर नीचे लग रहा था, पर मुझे वैसा नहीं लग रहा। बताने में मुझे थोड़ा अलग अलग लग रहा है। ये देखो मेरी बहन आ गई, पर अभी मैंने जल्दी से रेडी नहीं हुई तो वो मुझे डांटेंगी। तो चलो अभी मैं जल्दी से बाहर जाती हूँ। मेरी अभी मैंने 3 कुर्ती दे दी उनको, अच्छे से डिज़ाइन बताई कि कैसे करना है क्या करना है। सारी डिज़ाइन मुझे खुद खुद जो अच्छी लगती है वही मैं करती हूँ। तो अभी हम जा रहे थे, बताता होगा मैं हर अपन अंदर प्रिस्क्रिप्शन जा रहा हूँ, प्रिस्क्रिप्शन लेने डॉक्टर से। ओके, हर्षाली के हर्षाली को प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हर्षाली के फ्रेंड के लिए, तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन लेने। हम आ गए हैं क्लिनिक, यहाँ से हर्षाली प्रिस्क्रिप्शन लेंगी। अभी ये डॉक्टर जो है नहीं, मतलब हाफ एन आवर के बाद आने वाले हैं। तब तक हम हमारे डॉक्टर के पास जाके आ जाते हैं। जी रिपोर्ट के वाला टाक्सी ना चश्मा का था आपने तो दिया था। देखो भी मेरी बहन मुझे टिप्स दे रही है ब्लॉक की। मैंने अपनी रिपोर्ट ले ली, टाइम पास के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इतना कुछ इमरजेंसी वाला कुछ काम नहीं है। अभी हो गया है डॉक्टर का काम, और मुझे उन्होंने एक इंजेक्शन भी दिया, और अभी हम टैबलेट्स ले रहे हैं डॉक्टर की तरफ से। फिर उसके बाद हम ये प्रिस्क्रिप्शन के टैबलेट लेंगे और घर जाएंगे। बाय बाय कर दो। हाँ आ गई। हो गया डॉक्टर, डॉक्टर के पास से आ गए हैं। अभी हम टैबलेट्स ले रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि मतलब
मुझे हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है और विटामिन बी 12 की भी कमी है। तो उन्होंने बोला कि इसी वजह से तुझे थोड़ी थकान थकान सी होती है। तो उन्होंने मुझे 10 दिन की टैबलेट दी है और उसके बाद आने को बोला है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वो टैबलेट का मेरे ऊपर असर हो रहा है या नहीं करके। पता नहीं अभी आपको मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं। परिशाली और अभी हम ले रहे हैं टैबलेट। और अभी हम आए हैं इस क्लिनिक पे, हर्षाली को प्रिस्क्रिप्शन लेना है और अभी हर्षाली अंदर जाएंगी, बात करेंगी। तब तक मैं व्लॉग एडिट करती हूँ क्योंकि आज का व्लॉग भी मिल गया है। हम निकल रहे हैं, अब कहाँ पर जाना है? गिफ्ट पेपर लेने। अभी हम गिफ्ट पेपर लेंगे। हर्षाली के नसीब में गिफ्ट पेपर है ही नहीं क्योंकि हमने कम से कम 4 से 5 दुकान देखे और ये एक स्टेशनरी, यहाँ पे स्टेशनरी गिफ्ट एंड गिफ्ट के दुकान है पर इसमें क्या बोलते गिफ्ट पेपर ही नहीं है। तो मैंने बोला कि कल ले लेंगे। तो अभी हम जा रहे थे घर। अभी मैं आ गई हूँ घर में और अभी फ्रेश होके खाना खाएंगे। हम ऐसे बैठ के खाना खा रहे हैं और ये सीरियल शुरू है और यहाँ पर आके मुझे सीरियल देखने की भी आदत पड़ गई है। तो खाना खा के हो गया। अभी मम्मी ने मेरे लिए एलोवेरा तोड़ के रखा था तो अभी इसको धो के इसका मिक्सर में क्या बोलते हैं वो जेल जैसा बनाऊंगी और चेहरे पर लगा के सो जाऊंगी। एलोवेरा जेल मैंने बना लिया ऐसे मिक्सर में, अभी ये मैं लगाती हूँ चेहरे पर। मैंने लगा लिया है चेहरे पे एलोवेरा जेल और अभी मैं टैबलेट खा रही हूँ। ये डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दी है और जहाँ पर मैं गई थी ना, मतलब डॉक्टर के पास, तो वहाँ के नर्स ने ना इंजेक्शन दिया तो वो इंजेक्शन उसने इतने ज़ोर से दिया। वैसे हम घर में से ना किसी कोई भी ना डरता नहीं है इंजेक्शन से या फिर किसी को कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हाँ इंजेक्शन ले रहे हैं, पर उसने सच में बहुत ज़ोर से इंजेक्शन दिया था। मैं तो 2-4 सेकंड वहीं पर बैठी रही। और अभी हर्षाली को भी इंजेक्शन जहाँ पर दिया था वहाँ पर दर्द हो रहा है ना हर्षाली। और ये देखो वो अभी आने के बाद पढ़ाई शुरू कर ली। जाने से पहले भी मैंने आपको दिखाया था पढ़ाई कर रही थी। लिखना है उसको, सॉरी लिखना है, ये कल सबमिट करना है इसको। तो उसने ये जाने से पहले भी कर ली है, आने के बाद अभी भी कर रही है। बस बहुत पढ़ना पड़ता है इसको भी। अभी मैं टैबलेट खाऊंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि आज थोड़ा मैं थक गई हूँ। हाँ, और डॉक्टर ने बोला कि मुझे ना विटामिन डी, B12 और क्या बोलते हैं उसको हीमोग्लोबिन, ये तीनों की कमी है। तो उन्होंने बोला कि इसी वजह से तुझे थकान थकान सी होती है। मैं व्लॉग में 2-4 बार मैंने बोला भी है कि मुझे थकान थकान लग रही है तो इसी की वजह से होता था। मैंने वो कभी, मतलब मुझे लगा था कि ये नॉर्मल है, थोड़ा ज़्यादा काम होने के बाद हो जाता है थकान वगैरह, पर ये उसका रीज़न ये है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। काम तो यार सकड़ सकड़ी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग।